प्रधानमंत्री के बयान मैं जिंदा लौट पाया पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने एक बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री पंजाब से जिंदा लौट गए लेकिन 700 से अधिक किसानों को जिंदा घर लौटने नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा कि जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर और नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं है। दिग्विजय सिंह का यह बयान तब सामने आया जब कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया था कि भाजपा सरकार के 3 काले कानूनों का विरोध कर रहे 700 से ज्यादा जिंदा किसान घर नहीं लौट पाए। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट में कहा कि पहले हिंदू खतरे में था लेकिन अब पीएम खुद ही खतरे में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खतरे में नहीं है, केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में है। दिग्विजय सिंह के इस बयान के साथ ही राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर तेज हो गया। दिग्विजय सिंह से पहले कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पीएम मोदी पर ऐसी ही कुछ टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि केवल 15 मिनट के लिए इंतजार पीएम नहीं कर पाए जबकि किसानों ने एक साल तक कृषि कानूनों का विरोध किया। पीएम की सुरक्षा चूक के मामले में राजनीतिक गलियारों में लगातार हलचल तेज है। एक के बाद एक वरिष्ठ नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।